हेलो फ्रेंड्स, पिछली कई वीडियो में हमने डिस्कस किया है आपके स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स के बारे में। ताकि हम जब इनिशियली एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता होती है। जब एक नया कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया जाता है तो सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है आपके लिए वो होती है लर्नर्स को इंगेज करना, अपनी क्लासेस में इन्वॉल्व करना। और मेरी वीडियोस आपकी हेल्प करती हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व कर पाएँ, ताकि आप फ्यूचर में उनसे अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स ले पाएँ, ताकि आप उनको कन्वर्ट कर पाएँ दूसरे कोर्सेज के अंदर, ताकि आप फ्यूचर में आप अपनी रैपो बिल्ड कर पाएँ। और ये वो लोग होते हैं, ये वो आपके बोलते हुए पैम्पलेट होते हैं जो आपका प्रमोशन फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, अगर आपने उनको अच्छी क्वालिटी दे दी है तो। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा टारगेट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इन्वॉल्व करें। तो मैं इस सीरीज़ में आपसे बात कर रहा था कि जब किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो जाता है, रिजल्ट आउट होता है, तो रिज़ल्ट आउट करते वक्त हमें कुछ और बातों का ध्यान रखना होता है। क्योंकि ये कोर्स लो प्राइस लो फीस में चल रहा है, तो स्टूडेंट को हमारे साथ में एक एग्रीमेंट करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, मतलब कि कुछ रूल्स उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ पर मैंने एक रूल की लिस्ट बनाई हुई है और इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, बिना पढ़े हस्ताक्षर मत करें, ना करें। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इससे जस्ट एक वीडियो पहले मैंने एक वीडियो अभी अभी बनाई है आपके लिए, जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से इनपुट टूल्स की मदद से आप हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। मेरी हिंदी टाइपिंग बहुत अच्छी नहीं है, बावजूद इसके मैंने इनपुट टूल की मदद ली और यहाँ पर एक बढ़िया सी रूल रेगुलेशन का पेपर तैयार किया है। चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हमने क्या क्या लिखा है और क्यों लिखा हुआ है, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर कट हो जाए। सबसे पहली चीज़ तो हमने यहाँ पर बताया है कि स्टूडेंट जो भी डिसिप्लिन्ड होंगे उनको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, और जो भी इनडिसिप्लिन्ड लर्नर्स होंगे दोस्तों उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। बिल्कुल सही सुना आपने यहाँ पर। अब सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं कि हमने जो क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड की है वो क्लासेस हमने दी है उनको अल्टरनेट डेज पर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम अपने यहाँ एडमिशन फॉर्म बनाते हैं, ज़्यादातर वो गूगल फॉर्म होते हैं, तो उस गूगल फॉर्म पर ऑलरेडी मेंशन होता है कि जो भी एडमिशन होगा वो इन टर्म्स कंडीशन को फॉलो करेगा। और वहाँ पर हमने पहले से ही मेंशन कर रखा है स्कॉलरशिप एग्ज़ाम लेने से पहले ही कि क्लास वीक में सिर्फ और सिर्फ 3 डेज होगी। बिल्कुल सही। तो एक महीने के अंदर स्टूडेंट को अगर हम 13 क्लासेस, एवरेज 13 क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उन्हें 10 क्लासेस कम से कम लेनी ही लेनी है। अगर वो 10 क्लासेस से कम ले रहे हैं तो घबराइएगा मत, हम उनका एडमिशन कैंसिल नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पर उनसे पेनल्टी चार्ज करेंगे, मीन्स 50 रुपीज़ हम उनसे फाइन चार्ज करेंगे। बिल्कुल सही। उन्हें पता होना चाहिए कि वो एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, तो वो अपनी मर्जी से सारे काम नहीं कर सकते। संस्थान जो रूल बनाती है वो उनके हित में होता है, उनके फायदे के लिए होता है। और जब आप फीस नहीं ले रहे हैं तो स्टूडेंट को बिल्कुल भी हक नहीं बनता कि वो अपनी मर्जी से क्लास में आएं और जाएं। अगर वो अपनी मर्जी चलाते हैं तो वहाँ पर इंस्टीट्यूट उनके अगेंस्ट कार्रवाई करता है और उनसे पेनल्टी चार्ज करता है। जी हाँ, तो 50 रुपये आप उनसे चार्ज कर सकते हैं अगर वो विदाउट इंफॉर्मेशन छुट्टियां ले रहे हैं तो। चलिए, दूसरा, सत्र परीक्षा शुल्क 200 रुपये है, और यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, दैट इज येस। हमारा सेमेस्टर एग्जाम फीस जो है वो 200 रुपये है, और जो कि क्लास शुरू होने के 30 दिन में ही दे देना होगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं होता है कि लर्नर 3 महीने बाद हमारी क्लास में आएंगे या नहीं आएंगे। बिल्कुल सही। और अगर 30 दिन के अंदर उन्होंने अपना सेमेस्टर एग्जाम फीस, पहले सेमेस्टर का एग्जाम फीस नहीं पे किया, तो दोस्तों उन्हें लेट फाइन 100 रुपीज़ पे करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम रूल रेगुलेशन से बाउंड हैं और हम उन्हें 20 तारीख को नोटिस लगा देते हैं कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि आपको सेमेस्टर एग्जाम की फीस 30 तारीख से पहले जमा करानी है, इसके बाद 100 रुपये लेट फाइन लगेगा। ये उन्हें पहले से पता होता है। देन इसके बाद मासिक शुल्क, क्योंकि हम अपना कोर्स 1 तारीख को स्टार्ट करते हैं तो हर महीने की 1 तारीख तक देना ही होगा, वरना 10 रुपये प्रतिदिन विलंब शुल्क लिया जाएगा, चाहे वो वर्किंग डेज हो या वो आपके हॉलीडेज हो। मतलब कि अगर फ्राइडे है,
फ्राइडे 1 तारीख है, और अगर आपके स्टूडेंट ने फीस जमा नहीं की और वो आपके पास मंडे आता है तो आपको वो फाइन पे करेगा सैटरडे का, संडे का और मंडे का। और ये हमने उन्हें एडमिशन से पहले ही बता दिया है, और हमने उनसे कहा भी है कि इसको बिना पढ़े साइन बिल्कुल भी ना करें, बोल्ड करके हाईलाइट करके दिखाया गया है। जी हाँ, अब नेक्स्ट है हमारे पास बिना पूर्व सूचना के, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लगातार 3 क्लासेस में, एक तो ऑल्टरनेट डेज पे वर छुट्टी ले रहा है, वंस इन अ वीक छुट्टी ली है, इस हफ्ते में एक दिन नहीं आया, अगले हफ्ते में एक दिन नहीं आया, इस तरीके से भी अगर वो 10 दिन से कम क्लास ले रहा है तो ₹50 फाइन है, और या उसने बिना किसी सूचना के लगातार 3 दिन छुट्टी कर ली है तो भी उसको ₹50 फाइन देना है। लेकिन अगर वो हमें पहले से ही सूचना दे देते हैं कि मुझे कहीं जाना है, शादी में, फंक्शन में, एग्जाम में, विलेज, तो हम उनको लीव ग्रांट कर देते हैं और वहां पर वो कोई फाइन हमें नहीं पे करेगा। बिल्कुल, हम डिसिप्लिन्ड लर्नर्स को ही पढ़ाने वाले हैं, हम ऐसे किसी लर्नर को नहीं पढ़ाने वाले हैं जो यहाँ आकर के टाइम पास करे कि फीस कम है, 1 घंटा मैं दोस्तों के साथ बैठूंगा, मस्ती करूंगा। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सत्र परीक्षा 50% अंकों से पास करना अनिवार्य है, अन्यथा ₹200 पुनः परीक्षा फीस शुल्क देना होगा। बिल्कुल सही आपने सुना दोस्तों, उससे डिसाइड करके हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, हमने फ्री कोर्स में एडमिशन लिया है क्योंकि हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं और सेमेस्टर एग्जाम ₹200 दिए हैं, 3 महीने हम आराम से बैठेंगे। तो नहीं दोस्तों, सेमेस्टर एग्जाम में अगर आपके मार्क्स 50% से कम है तो यहाँ पर आपको फिर से री एग्जाम फीस देनी होगी, वरना हम आपको 3 महीने का सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। हम नहीं चाहते हैं कि आप यहाँ पर 6 महीने का कोर्स करें या 1 साल का कोर्स करें जब तक कि आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, क्योंकि फ्यूचर में पढ़ने वाला स्टूडेंट ही हमारे इंस्टीट्यूट की रेपो बढ़ाएगा, नाम बढ़ाएगा, रोशन करेगा। बिल्कुल सही, अभी के कुछ स्टेप डिफिकल्ट है लेकिन फ्यूचर में ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं, जैसा कि ये बेनिफिट मुझको देता है। मैं यहाँ पर स्पेशली एक व्यक्ति का जिक्र करना चाहूँगा, झारखंड से मिस्टर सांखो जेएस, और वो बार बार यूट्यूब पर मेरी वीडियो देखते हैं और उसके बाद में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की है अलग अलग वीडियो बनाने के लिए, और वहाँ पर वो इस टर्म्स कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं और मेरी हेल्प लेते रहते हैं, तो उनके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो दे रहा हूँ, इनको ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस कि क्लास में जनरली वी फेस अ प्रॉब्लम कि हमारे जितने भी लर्नर्स होते हैं वो लर्नर्स आमतौर पर क्लास में पंक्चुअल नहीं होते हैं। पंक्चुअलिटी ना होना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी क्लास जो है वो 60 मिनट्स की है, 60 मिनट की इस क्लास के अंदर अगर लर्नर 5 मिनट 10 मिनट लेट आएगा तो ऐसे में हमारे टीचर्स हमारे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं करा पाएंगे। तो ऐसे में हम अपने सभी स्टूडेंट्स को पहले ही जानकारी देते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन कि क्लास में उन्हें देर से नहीं आना है, अदरवाइज हम उनसे लेट फाइन चार्ज कर लेंगे। तो इससे हमारे सारे स्टूडेंट ऑन टाइम क्लासेस के अंदर पहुँच जाते हैं। वही आप सभी को फॉलो करना है, आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आप अपना इंस्टीट्यूट मेरी वीडियो की मदद से स्टार्ट कर चुके हैं, कर रहे हैं, यहाँ पर प्लीज़ इस रूल रेगुलेशन को जरूर मेंशन कर लीजिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। सो सांखो जी के लिए ये वीडियो थी झारखंड से, और नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ जो क्लासेस हैं वो वीकली टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे, यानी कि जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ कंप्यूटर कोर्सेज में एडमिशन लेगा उनको हम उनकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए हर हफ्ते टेस्ट ले रहे हैं, और टेस्ट में प्रेजेंट होना कंपलसरी है। देखिए मार्क्स कम या ज़्यादा होंगे उनको हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन उनका एब्सेंट होना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि इससे हमें उनकी प्रोग्रेस पता चलेगी और फ्यूचर में स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करेंगे। हम ये लो फीस कोर्स उनको इसीलिए प्रोवाइड करा रहे हैं, ₹100 में चाहे फ्री में, वो इसीलिए हो रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर पाएँ। तो वीकली टेस्ट अटेंड करना कंपलसरी है, पास फेल वो मैटर नहीं करता है, लेकिन वहाँ प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर आप प्रेजेंट नहीं होंगे तो आप अपने लर्नर्स को ऑलरेडी बता दीजिए कि वहाँ पर उनसे फाइन चार्ज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम की। फीस भरने के बाद सेमेस्टर एग्ज़ाम्स को देना कंपलसरी है, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, देन कुछ और चीज़ें जो मैंने यहाँ पर मेंशन की है वो आपके लर्नर्स के लिए है, एंड इसके बाद में जो लर्नर्स हैं उनके सिग्नेचर यहाँ पर हो जाते हैं, उसके बाद ही हम उनका एडमिशन लेते हैं। तो ये मैसेज आपको और रूल रेगुलेशन आपको हिंदी में देना है,
आप बिल्कुल भी इसको इंग्लिश में टाइप मत कीजिएगा और लर्नर्स को बिल्कुल क्लियर बता के चलिएगा ताकि वो उसको पढ़ें और उसको साइन करें तो उन्हें पता होगा कि वो किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। देन उसके बाद आप उनको एक डिप्लोमा इशू करेंगे जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर वैलिड होगा। तो पिछली कई सारी वीडियोज़ में आपने देखा था कि यहाँ पर आपको हेल्प मिल रही है, ये एक रूल रेगुलेशन का पेपर आप उनसे साइन करवा करके अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो देख रहे थे राजीव मिश्रा के साथ में, जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।